वेलकम टू ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किया सोनेट के बारे में। ऑटो एक्सपो 2020 में किया सोनेट के कॉन्सेप्ट को शोकेस किया गया था और ये भी कहा गया था जो इसका प्रोडक्शन वर्जन होगा यानी कि रियल जो कार आएगी वो कॉन्सेप्ट वर्जन से मिलती जुलती ही होगी, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं वो कॉन्सेप्ट वर्जन की हैं और जो रियल प्रोडक्शन वर्जन आएगा बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा, 19-20 का फर्क आप मान के चल सकते हैं। किया मोटर्स ने मिड साइज एसयूवी सेल्टोस के साथ एंट्री की थी भारतीय बाजार में और सभी भारतीय ग्राहकों का दिल जीत लिया था। ये जो एसयूवी है सेल्टोस, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसके फीचर्स भी अच्छे हैं, पावरफुल एसयूवी है और बजट में भी है और वैल्यू फॉर मनी भी है। 10 से 15 लाख का आपका बजट है तो आप किया सेल्टोस की तरफ जा सकते हैं। किया सेल्टोस के भारतीय मार्केट में अच्छे प्रदर्शन के बाद किया कंपनी ने लग्जरी एमपीवी सेगमेंट में हाथ आजमाया और किया कार्निवल को लॉन्च किया। 30 से 35 लाख के बजट में आ जाने वाली लग्जरी एमपीवी किया कार्निवल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। किया सेल्टोस जैसा प्रदर्शन करने के लिए उसको बजट कार ही लेके आनी होगी 10 से 15 लाख के बीच में ही। तो किया कंपनी अब अपनी कॉन्सेप्ट कार सोनेट को भारत में लॉन्च करने वाली है, इसकी घोषणा कर दी गई है ऑफिशियल। परसों एक स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें बताया था कि किया सोनेट अगस्त 2020 में भारतीय बाजार में दस्तक देगी। तो आज की इस वीडियो में जान लेते हैं किया सोनेट के बारे में, क्या क्या फीचर्स इसमें आपको मिल सकते हैं, कौन सा इंजन आपको मिलेगा, क्या लुक्स रहने वाला है। फिलहाल इसके एक्सटीरियर की और इंजन की कुछ जानकारियां आई हैं, इंटीरियर के बारे में ज़्यादा जानकारियां नहीं है। इंटीरियर के बारे में इतना ही है कि वेन्यू से बेहतर ही इंटीरियर आपको मिलेगा और ये विटारा ब्रेजा और ह्यूंडई वेन्यू को कड़ी टक्कर देने के लिए मार्केट में आ रही है। तो बात कर लेते हैं किया सोनेट के बारे में। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की किया सोनेट का मुख्य मुकाबला होगा मारुति ब्रेजा के साथ, ह्यूंडई वेन्यू के साथ, टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा एसयूवी के साथ इसकी कड़ी टक्कर होगी। किया सोनेट की जो प्राइस रहने वाली है वो 7 से 12 लाख रुपए के बीच में रहने वाली है। तो बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, कैसा होगा इंजन और जो इसका एक्सटीरियर है वो तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। बात करें किया सोनेट के इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में तो ये गाड़ी 2 पेट्रोल और 1 डीजल वेरिएंट में आएगी। इसमें जो पेट्रोल वेरिएंट है वो ह्यूंडई वेन्यू वाले ही दिए जाएंगे। इसमें 1.2 लीटर का एक पेट्रोल इंजन मिलेगा और एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, वहीं इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी मिलेगा। बात करें इसके ट्रांसमिशन के बारे में तो टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इसमें 7 स्पीड DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स मिलेगा, वहीं डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें दिया जा सकता है। किया सोनेट के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला 8 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। इसके अलावा UVO कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और सनरूफ जैसे फीचर भी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही थी फिलहाल के लिए जानकारियाँ, लेकिन एक चीज़ का आप खास ध्यान रखें, जो किया सोनेट आएगी एंट्री लेवल एसयूवी के सेगमेंट में आएगी, 7 से 12 लाख इसकी प्राइस होगी, ह्यूंडई वेन्यू वाले 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन के साथ आएगी और विटारा ब्रेजा नेक्सॉन एसयूवी 300 के साथ इसकी कड़ी टक्कर होगी, कड़ा मुकाबला होगा। और दोस्तों जैसा इसका कॉन्सेप्ट वर्जन है तकरीबन वैसा ही इसका प्रोडक्शन वर्जन भी होगा। तो जैसी कार आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वैसी ही आएगी, ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में आएगी और पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में आपको ये मिल जाएगी। इससे जुड़ी इतनी ही जानकारी अभी अवेलेबल है, इंटीरियर के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर सामने आया है कि इसका इंटीरियर वेन्यू से ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, इससे जुड़ी जैसी ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। अगस्त 2020 में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और अगर आपका अभी कार लेने का कोई प्लान नहीं है तो आप इस कार की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि सेल्टोस के साथ काफ़ी अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और वैसा ही चाहेगी किया कि सोनेट भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ही हो। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।